है गाइस, स्वागत है, वेलकम टू द न्यू वीडियो। बहुत दिन बाद आया हूँ क्योंकि कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। मछलियाँ नहीं है, पूरा ब्लैंक है मेरा घर। एक बार में सिगरेट वगैरह है, वो पिंदनी वो वाला है, और फिश पॉन्ड पूरा खाली है, एक गोल्ड फिश, कुछ एंजल्स वगैरह है। तो गंदा भी नहीं हुआ, मुझे साफ करने का जरूरत भी नहीं, बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ ये। आज साफ करूँगा और पैटल पॉन्ड दोनों का पूरा मेंटेन करूंगा, ठीक है। तो पहली बात ये है कि 15 मिनट्स लेटर इसको पहले करें। अच्छा, तो बहुत डर्टी हो गई ये। इधर आ। करीब मैंने एक महीने साफ नहीं किया, लगभग हाँ एक महीने होगा। एक महीने में इतना गंदा हो गया। मछली कुछ नहीं है, एक गोल्ड फिश है और तीन एंजल्स है, प्लैटिनम एंजल, शायद आपको दिखाई दे, ये देखो। और ये है हमारा वाटर का कंडीशन, साफ आज करना ही पड़ेगा। तो गाइस, एक बात कहनी है। मेरा एक वीडियो है जिसमें मेरा ये पॉन्ड बिल्ड किया था, तो उसके बाद जब मैंने कुछ प्लेटिस और ये गोल्ड फिश छोड़ा था उसमें, तो तब आपको बताया था कि मेरा गोल्ड फिश करीब 2 हफ्ते तक अंदर था, एक टब में था, नॉर्मल पानी में, तो आउटडोर में नहीं था। तो तब क्या हुआ था, मेरा गोल्ड फिश का कलर एकदम सफ़ेद हो गया था, एकदम सफ़ेद, एकदम कलर कुछ नहीं था उसका। तो उस दिन मैंने बोला था कि एक महीने बाद फिर मैं आपको अपने गोल्ड फिश दिखाऊँगा आउटडोर में, जिसको मैंने खिलाया, आउटडोर में ही था, आउटडोर में ही है। तो आज मैं दिखाऊंगा कि इसका कलर कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो चलो इसको समझते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो इसका कलर देखो, ये एक महीने पहले पूरा सफ़ेद हुआ करता था। ये छोटा था पहले, तो ये छोटा था, आउटडोर में ही था। तो जब पॉन्ड लीक हुआ, मैंने जब पॉन्ड बिल्ड किया, तो इसको मैंने 2 हफ्ते के लिए अंदर भेज दिया था। तो तब इसका कलर पूरा डाउन हो गया था, फिर से कलर हो गया है, पूरा एनहांस हो गया है कलर, ठीक है। और गाइस, आउटडोर में अगर आप रखते हो ना, तो मेरा तो वीडियो आपने देखा ही है, मैंने होममेड फिश फूड बनाया था, तो वो वाला खाना इसको खिलाया है और कलर एनहांस होगा। ये मेरे होममेड जो फीड होता है, वो फूड होता है, वो वाला खिलाया मैंने इसको। तो आपको शॉप में जो खाना मिलता है, ऑप्टिमम वगैरह और भी बहुत कुछ है, तो वो वाला खाना मैं नहीं खिलाता अपने मछलियों को, प्रेफर भी नहीं करता। अगर आप एक्वेरियम में रखते नहीं हो तो, ठीक है, ये पॉन्ड के लिए है वो वाला खाना बेसिकली, मैंने जो बनाया वीडियो में, ठीक है। ये देखो कलर देख सकते हो आप, छोड़ दो, ये मेरा प्यारा सा गोल्डी, जाओ, ठीक है। तो कलर भी देख लिया, बहुत इनहेंस किया, इतना ज़्यादा इनहेंस किया एक महीने में, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो आप वाटर को साफ करें। ओके, तो अब वाटर को साफ करते हैं। मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, हो गया लगभग, ये हेल्दी हो गया, देखो सनलाइट आता है इधर से, तो हेल्दी हो गया, पॉन्ड में ही रहता है। देखो आप अगर कोई भी मछली आउटडोर में रखते हो, तो उसका कलर इनहांस होगा कंपेयर टू एक्वेरियम। एक्वेरियम से बहुत ज़्यादा इनहांस पॉन्ड में होगा, या आउटडोर कोई भी चीज़ में होगा, ये नेचुरली होता है। अब अगर थोड़ा सा भी अच्छा फीड खिला दो, होममेड फीड या कुछ भी खिलाओ अच्छा सा, तो आउटडोर में कलर बहुत इनहांस होता है कोई भी मछलियों का, तो ये बहुत अच्छी बात है। और
अकुरिया में क्या होता है, आपको बहुत महंगा खाना खिलाना पड़ता है, लाइट फाइट वगैरह बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी जाके अच्छा कलर मिलता है आपको। बट आउटडोर में ऐसा नहीं है, आउटडोर में ये बारिश का पानी, सूरज का किरण तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, और कलर भी बहुत अच्छा होता है, यही बात है। तो गाइस मेरा जो एंजल है, तीन एंजल है ओनली, तो उसका भी कलर मैं दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में ये हो जाने के बाद। तो कंटिन्यू जरूर करना, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एंजल का भी कलर दिखाऊंगा, वो भी आप देखते रह जाओगे इतना अच्छा कलर। ये पहले मैं कर दूँ, ओके सो टर्टल पॉन्ड का पानी मैंने फेंक दिया। और एक बात मैंने नोटिस किया कि यहाँ से मैं पानी को निकल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर पानी निकल रहा है। अच्छी बात यह है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से पानी सीधा अंदर आ रहा है, फ्रेश पानी अंदर जा रहा है, ठीक है, तो मैं मेहनत क्यों करूँ, अपने आप हो रहा है, तो चलो हम रेस्ट करते हैं। ये देखो सीन देखो, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी घुस रहा है, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। फ्रेश जो पानी है वो जा रहा है, ठीक है, और उधर थोड़ा बहुत डर्ट भी चला गया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं लगभग ही उसको साफ करता हूँ, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ से पानी यहाँ जा रहा है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ नहीं देना पड़ रहा, ठीक है। तो आप मेरा एंजल का कलर भी देख लो, बहुत तेज है भाई, सही से देख लो कलर, देखो फिन देखो पूरा ब्लू, छोटा है मगर इस साइज में इसका कलर देखो, इसका कलर देखो धूप में, ये छोटा वाला, ठीक है। अब मैं पकड़ रहा हूँ मिडिल को, जो कि बड़ा भाई है इसका, भाई या बहन जो भी हो, इसका कलर देखो। ओ भाई देखो इसका कलर देखो, इसका मैंने फिन जो है ना डॉर्सल फिन, बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका, एकदम ब्लू, क्यूटी क्यूटी। आप पकड़ता हो इसका बड़ा भाई को, ये बहुत तेज है, इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये देखो पकड़ लिया, देखो इसका कलर देखो, देखा देखो फिन देखो इसका, ये सिर्फ आउटडोर में हुआ है और कुछ नहीं, आउटडोर में था, अच्छा खाना खिला है घर वाले, जो मैंने होममेड फिश फूड में किया था वो वाला खाना ओनली, और कुछ एग योक और वो वाला खाना बस, और कुछ नहीं, कलर देख सकते हो, ठीक है। तो इधर तो पानी जा रहा है, ये लगभग फिल हो गया, ठीक है। आप भी फोन करो, ओके गाइस, तो डिप टूट दे दिया मैंने अंदर, यहाँ ही रहता है, तो ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट, और भाई ज़रूर सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।